नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज कर दी गई हैं। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग में सरकारी भर्ती के लिए विज्ञापन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी यहाँ पे जो रिलीज़ की गई हैं, तीन अलग अलग पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। कोल्ड चेन हैंडलर की वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर स्टोर कीपर और न्यूट्रिशन काउंसलर जैसी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। इसके लिए आप लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें, इस बार जो सरकारी भर्ती का जो विज्ञापन जो जारी हुआ है, हेडिंग आप सभी लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है जिला स्वास्थ्य मिशन समिति चतरा, इनको द्वारा देखिए सरकारी भर्ती का विज्ञापन यहाँ पे आ चुका है। और देखिए संविदा के आधार पे ये वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है, आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। किस तरीके से आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट यहाँ पे क्या रहने वाली है, पोस्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पे शामिल की गई है, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और सैलरी पैकेज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और अप्लाई किस तरीके से करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको यहाँ पर रीड करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना है, दिल से इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग में हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप क्लिक कर लें। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग में हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहते। बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी इंफॉर्मेशन की ओर। दोस्तों देखिए, पहली जो पोस्ट यहाँ पर जो रहने वाली है, कोल्ड चेन हैंडलर की यहाँ पर रहेगी। और देखिए इसका जो पोस्ट का जो कोड है, एक यहाँ पर रहेगा। और देखिए इसके लिए योग्यता जो आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है, 12th क्लास पास होना आपका यहाँ पर जरूरी है। और देखिए इंटर है साइंस में, तो देखिए आप लोग यहाँ पर आवेदन जरूर करें। 3 साल का जो है आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है हैंडलिंग का, जो कि देखिए वैक्सीन को यहाँ पर रहता है। और देखिए आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, दूसरी जो पोस्ट यहाँ पर जो रहने वाली है, स्टोर कीपर की यहाँ पर रहेगी। और देखिए पोस्ट कोड यहाँ पर 2 है, और योग्यता के तौर पे देखिए आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है डिप्लोमा इन फार्मेसी। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे देखिए डिप्लोमा रखते हैं फार्मेसी का, आप सभी लोग यहाँ पे आवेदन करें। और ये जो डिप्लोमा है आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना यहाँ पे जरूरी है। और देखिए जो है कंप्यूटर की आपको यहाँ पे गुड नॉलेज होना यहाँ पे जरूरी है, तभी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, अंतिम जो पोस्ट यहाँ पे जो रहने वाली है, न्यूट्रिशन काउंसलर की यहाँ पे रहेगी। पोस्ट कोड 3 है। और देखिए इसके लिए योग्यता क्या क्या मांगा जा रहा है, देखिए मास्टर डिग्री हो या फिर देखिए बैचलर डिग्री रखते हो फूड एंड न्यूट्रिशन में करेंगे। 1 साल का अनुभव भी आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है हेल्थ सेक्टर का, या फिर देखिए रेलेवेंट फील्ड के अंतर्गत। और देखिए बेसिक कंप्यूटर स्किल अगर आपके पास है, और देखिए अगर आपके पास यहाँ पे एमएस ऑफिस का ज्ञान है, तो देखिए अच्छी बात है, आप लोग यहाँ पे आवेदन करें। और देखिए गुड मैनेजमेंट स्किल भी आपको यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है पोस्ट के बारे में। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे कितनी क्या रहने वाली है, इसकी जानकारी आपको यहाँ पे नहीं दी गई है, मात्र जो है क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं अगली जानकारी की, तो देखिए एज क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। एज का कैलकुलेशन आपको यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए आयु की जो गणना है, आपको सामान्य वर्ग अनरिजर्व वाले कैंडिडेट्स में 21 वर्ष उम्र होना आपका यहाँ पर जरूरी है। और देखिए 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र आपके यहाँ पर ना हो। और देखिए OBC और देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सभी लोग को यहाँ पर 37 वर्ष से ज़्यादा उम्र आपके यहाँ पर ना हो। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, देखिए पुरुषों यहाँ पे देखिए महिलाओं, कहने वाली बात है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं, आप लोगों की उम्र यहाँ पे देखिए 40 साल से ज़्यादा ना हो। और देखिए महिला जितनी भी हैं, चाहे देखिए आप लोग यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के हों, चाहे आप लोग यहाँ पे देखिए OBC कैटेगरी के हों, और देखिए अगर आप लोग यहाँ पे EWS वाले कैंडिडेट यहाँ पे रहने वाले हैं, तो जितनी भी महिला हैं, जितना भी मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी, तो देखिए 38 साल से उम्र आपके यहाँ पे ना हो। और देखिए कम से कम जो है 21 साल उम्र आपके यहाँ पे हो जानी चाहिए। और देखिए जो भी यहाँ पे दिव्यांग कैंडिडेट हैं और देखिए हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और देखिए आपको एज में यहाँ पे छूट दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं अगली जानकारी की। दोस्तों देखिए, अब आपको यहाँ पे अप्लाई किस तरीके से करना है और लास्ट डेट यहाँ पे क्या रहेगी अप्लाई करने के लिए, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोग यहाँ पे ले लें। तो देखिए सबसे नीचे की तरफ आप सभी लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया जा रहा है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, आपका नाम, आपके देखिए पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी, आपके पास अगर आपके पास यहाँ पे अनुभव है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे देनी है। और देखिए इसको जो है आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के साथ भेज देनी है। जो भी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके यहाँ पे मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, आपको फोटोकॉपी का सेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। इसके बारे में इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है।
दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन की प्रक्रिया किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवार निम्नलिखित विविध प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति आरक्षण के दावा हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और देखिए डेट ऑफ बर्थ का जो भी आपका यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाएगा। तो देखिए 10th क्लास की मार्कशीट आप लोगों को आवेदन पत्र के साथ आपको यहाँ पे सबमिट कर देनी है। दो पासपोर्ट रीसाइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपको यहाँ पे रहते हैं ये भी आपको यहाँ पे संकलन करने हैं। और देखिए दिनांक 20 नवंबर 2020 तक आप लोग यहाँ पे भेज दें। और देखिए इस डेट के बाद अगर आप लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे तो देखिए आपके आवेदन पर यहाँ पे विचार नहीं किया जाएगा। तो ये जानकारी भी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। लास्ट डेट आप सभी लोग यहाँ पे देख लें 20 नवंबर 2020 यहाँ पे रहने वाली है। केवल देखिए न्यूट्रिशन काउंसलर की जो पोस्ट है इसकी जो लास्ट डेट है 25 नवंबर 2020 यहाँ पे रहने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पे दे दी। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी तरीके के पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निबंध डाक या फिर देखिए स्पीड पोस्ट से सिविल सर्जन चतरा पोस्ट जो है यहाँ पे इस एड्रेस पे आप लोग यहाँ पे सेंड कर दें और आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। लिफाफे के ऊपर जो है आपको निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध यहाँ पे करानी होगी। तो देखिए विज्ञापन संख्या, आपके पोस्ट का कोड और देखिए आपके पोस्ट का नाम। तो देखिए विज्ञापन के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको एनवलप में ये जानकारी देनी है, जो भी आपका यहाँ पे लिफाफा रहेगा जिसमें आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स उसमें यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए लिफाफे के ऊपर ये सभी जानकारी इसमें होना यहाँ पे जरूरी है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कवर की है। उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई होगी। कुछ ना कुछ जानकारी अगर आपको यहाँ पे वीडियो से मिली है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है। दिल से वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है। दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग में हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप क्लिक कर लें। स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहते। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।